यूथ पर एसिड फेंकने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पन्ना पुलिस ने पुलिस बल के साथ पन्ना शहर में आरोपियों का जुलूस निकाला। पन्ना जिले के पवई थाने के ग्राम बराहों में दबंगों ने एक 20 वर्षीय युवती के चेहरे पर एसिड डालकर हमला कर दिया था। बताया जाता है कि युवक युवती से छेड़छाड़ कर रहे थे। जब युवती ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो युवकों ने उसकी दोनों आंखों पर एसिड डाल दिया। इसके बाद से पन्ना पुलिस हरकत में आई और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कर आरोपियों को पन्ना की सड़कों पर जुलूस निकाला गया, जिससे अपराधियों में खौफ रहे और आम जन में यह विश्वास रहे कि वे सुरक्षित है। एसपी का कहना है कि हमने 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आरोपियों को पकड़ा। इन अपराधियों को हमारी पूरी पन्ना पुलिस की टीम ने थाना प्रभारी कोतवाली अरुण सोनी, थाना प्रभारी रिश्वत भगत सिंह, थाना प्रभारी पवई धर्मेंद्र कुमार सिंह, हमारी साइबर सेल की टीम। पवई थाना क्षेत्र के बरोहा गांव में घटना में एक लगभग 20 वर्षीय बालिका के साथ वहीं के कुछ व्यक्तियों ने उसकी आंखों में कुछ जहरीली दवा या कुछ जड़ी बूटी जैसी चीज़ का छिड़काव कर दिया और उसके साथ में मारपीट की थी। पन्ना पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज करते हुए इन महिलाओं पर अपराध अत्याचार करने वाले व्यक्तियों को रिकॉर्ड समय में गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। सर, कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारी पूरी पन्ना पुलिस की टीमों ने मिलकर इनको बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्रयास से दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। और मैं आम जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस, पन्ना पुलिस सदैव आपके साथ है। हमें सिर्फ आपका सहयोग और आपके विश्वास की ज़रूरत है। हम पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे पन्ना को न केवल महिलाओं के लिए बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित बनाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पन्ना पुलिस ने कड़ी मेहनत से 5 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया, अपनी पुलिस टीम को किस प्रकार से बधाई दी? ये बहुत ही घिनौना कृत्य था और लगभग सभी समाज की नज़रें पन्ना पुलिस पे थी। हम लोगों ने इनको रिकॉर्ड समय में बहुत ही मेहनत से जंगलों और खेतों में लगातार तलाश करके इनको बड़ी मेहनत से इनको पकड़ा। मैं पूरे पन्ना पुलिस की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनको समय पर सूटेबल तरीके से रिवार्ड भी किया जाएगा। सर, पन्ना पुलिस और साइबर टीम की कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं? ये हमारी साइबर टीम की निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन हमारी साइबर टीम के साथ साथ हमारे थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी ब्रिजपुर भगत सिंह, निरीक्षक अरुण सोनी, हमारे निरीक्षक डीके सिंह और साथ ही साथ हमारे साइबर की पूरी टीम लगातार इस प्रयास में चल रही थी कि इन आरोपियों की शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी करके हम उदाहरण प्रस्तुत करें कि पन्ना में महिलाएं और बालिकाएं सुरक्षित हैं। जुलूस भी निकाला गया है रोडों पर, क्या संदेश? देखिए, हम गिरफ्तार जैसे ही करा, कहीं से आप मीडिया के बंधुओं को सूचना मिली और आप लोग समक्ष में आ गए। हम जैसे ही गिरफ्तार करके ला रहे थे, आपको जानकारी लगी, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने पूरे वैधानिक तरीके से कार्रवाई की है। पन्ना पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की है? हाँ, निश्चित रूप से मेरे द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से इस घटना में जो आरोपी फरार थे उनको शीघ्र गिरफ्तारी करने के लिए सारी टीम को मेरी ओर से पुरस्कृत किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से भी पुरस्कृत किया जाएगा।